Okay, in the previous lecture we already discussed about the disease caused by the microorganism. हमने ये chart check किया था. Okay, now अब मैंने जैसे आपको कहा था पहले कि ये जो microorganisms है उन्होंने human being के साथ साथ plants and animal को भी नहीं छोड़ा. ठीक है, तो several microorganisms not only cause disease in the human but also in the plant but also in the animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by the bacterium. यानी anthrax क्या करता है? For anthrax है जो animals यानी कि human animal both में disease फैलाता है. Foot and mouth disease of cattle is caused by the virus. Now इसके बारे में आपको दिया है. Robert Koch discovered the bacterium which caused anthrax disease. यानी वो bacteria जो ये disease फैलाता है उसका फाउंड किया था, उसके बारे में जानकारी दी थी रॉबर्ट कोच ने. नाउ दिस इज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्लांट. तो प्लांट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलाते हैं डिजीज, तो सर्वल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज डिजीज इन द प्लांट लाइक वीट, राइस, पोटेटो, सुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर. द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स. यानी कि ये क्या करता है, क्रॉप्स की ग्रोथ क्या कर देता है, कम कर देता है. For some such plant diseases, they can be controlled by the use of certain chemicals which kill the microbes. यानी आपको क्या करना चाहिए, pesticides डालने चाहिए या तो फिर कुछ ऐसे हर एक टाइप के जीवों के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अलग अलग टाइप की दवाइयाँ हैं. तो यहाँ पे देखते हैं some common plant diseases caused by the microorganism. तो कैक्टर कैंकर करके एक प्लांट डिजीज है, सॉरी सिट्रस, सॉरी इज नॉट, इट इज सिट्रस कैंकर. सिट्रस कैंकर जो होती है बैक्टीरिया की वजह से, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर. नाउ रस्ट ऑफ द वीट. रस्ट ऑफ द वीट यानी आपने देखा होगा कि अनाज के दाने जब गेहूं पकड़े होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, व्हाइट व्हाइट होने लगते हैं या पाउडर टाइप होने लगते हैं. तो ये ना फंजाइल इन्फेक्शन है. एयर और सीड में अगर है तो ऑफकोर्स आपका प्लांट क्या होगा, खराब ही होगा. नाउ येलो वेन मोज़ेक ऑफ द भिंडी. मीन्स आपने भिंडी में कभी कभी देखा होगा कि येलो येलो लंबी लंबी लाइन होती है, पतली पतली. तो इट्स अ डिजीज कॉज्ड बाय द वायरस. मोड ऑफ ट्रांसेक्ट है इंसेक्ट, यानी उस टाइप के इंसेक्ट जो होंगे वो इसको स्प्रेड करते हैं. ओके, तो इन सब चीजें से बचा कैसे जाए. हम काफी टाइम तक हमारे खानों को रखते हैं. आपने देखा होगा आपके मदर जब भी पिकल ये सब बनाते हैं तो उसको सेव करने के लिए उसमें ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट, विनेगर या फिर ऑयल आपने देखा होगा कि भर भर के डालते हैं. ओके, सो यहाँ पे बोजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू द पार्टी. ही एट द वेराइटी ऑफ फूड स्टफ. ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग. यानी उसने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के खाना खाए लेकिन घर पे पहुंचते ही उसे वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो गया. देन ही हैड टू टेकन टू हॉस्पिटल. द डॉक्टर सेड द कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग. मीन्स फूड खराब होने की वजह से आपको ये चीज हुई है. नाउ हाउ कुड दिस फूड बिकम पॉइजनस. यानी ये फूड में ये जहर आया कहाँ से, हाउ इट बिकम पॉइजनस. तो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यानी कुछ खराब खाना अगर आपने खा लिया है जो सड़ गया था तो वैसे खाने से आपको फूड पॉइजन हो सकता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन द फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस. दिस मेक द फूड पॉइजनस कोजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ. यानी इसकी वजह से आप ज्यादा बीमार भी हो सकते हो, इवन कभी कभी ऐसे में लोगों की डेथ भी हो जाती है. सो इफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड. यानी हमें हमारे खानों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि वो खराब ना हो. तो कैसे करेंगे, तो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि हमने देखा है जब भी हमारी मदर किचन में पिकल बनाती है तो विनेगर या फिर सॉल्ट ज्यादा अमाउंट में डालते हैं या फिर ऑयलिंग ज्यादा करते हैं ताकि खाना बिगड़े नहीं. सो इन द चैप्टर वन वी हैव लर्न अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड द स्टोर फूड एंड ग्रेन. तो इन चैप्टर वन में आपने देखा कि हम ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए कंटेनर्स रखते हैं या फिर एयर टाइट कंटेनर्स रखते हैं. तो इट्स अ फिजिकल मेथड. ओके, ये टाइप की क्या है, ये काइंड ऑफ फिजिकल मेथड है कि आप अपने खाने को बिगड़ने से बचाओगे. यानी आप उसको कम्प्लीटली शट डाउन करके रखोगे ताकि उसमें कोई भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना जा पाए.
So you know that the bread left unused under the moist condition attacked by the fungus. ये तो हमने शुरुआत में पढ़ लिया. Microorganisms spoil our food, spoiled food emit bad smell and has a bad taste and change its color. It's spoiling food of a chemical reaction. यानी क्या होता है उसमें केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं हमारे फूड और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में जिसकी वजह से वो खाना खराब हो जाता है. पहली बॉट सम मैंगोज बट कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज. लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन. यानी बट शी नो द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो शी इज गेटिंग कंफ्यूज. सो let this study the common method for the preserving food at our home and we have to save it from the attack of the microorganism. So, मैंने physical method बता दिया आपको कि storage या container में रख दें. Now, this is chemical method. Chemical method में है salt and edible oil as the common chemicals generally used to check the growth of microorganism. Therefore, they are called preservative. इसीलिए उनको क्या कहा जाता है प्रिजर्वेटिव यानी कि संभाल के रखने वाले. वी एड सॉल्ट एसिड प्रिजर्वेटिव ऑन द पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब. सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर द कॉमन प्रिजर्वेटिव. यानी ये दो क्या है एग्जांपल्स है केमिकल्स है या फिर ऐसा कह सकते हैं कि खानों में डाले जाते हैं. दिस आर ऑल्सो यूज इन द जाम एंड द स्क्वेस टू चेक देयर स्पॉन्जीनेस. यानी कि जाम ये सब चीजों को स्पंजी बनाने के लिए या और लॉन्ग टाइम के लिए सेव करने के लिए रखने के लिए क्योंकि हम जब भी कोई ऐसी चीज लाते हैं तो वो बहुत पहले पैक्ड हुई होती है या बनी होती है फिर भी वो लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं होती. तो प्रिवेंशन बाय द कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज टू प्रिजर्व द मीट फिश फॉर एजेस. मीट एंड फिश आर कवर्ड विद अ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया. सॉल्टिंग इज एंड ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट आमला एंड रॉ मैंगो टर्मराइट एक्सेट्रा. यानी सॉल्ट का यूज बहुत सालों पहले से होता है किस चीज के लिए कि वो बैक्टीरिया कैसे वर्क करते हैं या कैसे जन्म लेते हैं वो सब चेक करने के लिए ये लोग ऊपर सॉल्ट डाल के चेक करते थे. इसके सिवाय सॉल्ट इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आमला रॉ मैंगोज एंड टर्मरिन. नेक्स्ट प्रिजर्वेशन बाय द शुगर. तो जाम जेली स्क्विस्ट आर द प्रिजर्व्ड बाय द शुगर. शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहेबिटेड द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया विच स्पॉइल द फूड. तो ये शुगर का काम करेगा कि जो एटमोस्फेरिक जो मॉइस्चर होता है उसको अपने अंदर ले लेगा या फिर सोर्स लेगा जिसकी वजह से मॉइस्चर नहीं होगा तो वहां पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ पाएंगे. थर्ड वन इज प्रिजर्वेशन बाय द ऑयल एंड द विनेगर. यूज ऑफ द ऑयल विनेगर प्रिवेंट द स्पॉन्जीनेस ऑफ द स्पॉइलनेस ऑफ द पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लीव इन सच एनवायरमेंट. यानी एसिडिक या फिर खट्टे एटमोसफियर में जल्दी से बैक्टीरिया नहीं रह पाते हैं. सो वेजिटेबल फ्रूट फिश मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड. एंड द फोर्थ वन इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर स्टोर और यूज बॉइलिंग इन मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके सिमिलरली वी कीप अवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर इन द लो टेम्परेचर इन द हैबिटेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ माइक्रोइज्म. यानी कि आपने अपनी मदर को देखा होगा कि वो क्या करते हैं पहले एकदम से आप मिल्क को बॉइल करते हैं उसके बाद ठंडा करते हैं. इसके सिवाय वो हम एकदम लो टेम्परेचर में रेफ्रिजरेटर में उसको रखते हैं क्योंकि हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रहने के लिए दे ऑलवेज चूज द प्लेस वो हैव अ वार्म्थ. यानी जहाँ पे वार्म्थ होगा यानी थोड़ी सी गर्माहट होगी वैसे जगह पे वो जल्दी आ जाते हैं. सो इसके सिवाय भी हमने देखा था वो कोई भी एटमोसफियर में आ सकते हैं. ओके सो पेस्टिसाइड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विद इन बॉइलिंग एज इट फ्री फ्रॉम द हार्मफुल माइक्रोब. मिल्क इज हीटेड अबाउट 70 डिग्री फॉर 15 टू 30 मिनट्स और 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर. यानी जो पेस्टिसाइड मिल्क होते हैं जो हम बाहर से खरीदते हैं उनको 70 डिग्री पे बॉइल किया जाता है फॉर 15 टू 30 सेकेंड फिर एकदम से ठंडा कर दिया जाता है. सो बाय डूइंग दिस इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब एंड दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुईस पाश्चर. इट इज कॉल्ड पेस्टराइजेशन.
तो इस चीज के फाउंडर कौन है, लुईस पाश्चर है, कि हम मिल्क ये सब चीज को लॉन्ग टाइम पे कैसे स्टोर करेंगे या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स को हम लंबे टाइम तक कैसे चला सकते हैं। तो इसके फाउंडर है लुईस पाश्चर, उनके नाम पे से इस प्रोसेस को कहा जाता है पाश्चराइजेशन। ओके, नेक्स्ट स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टोरेज एंड पैकिंग मैंने आपको बताया, दिस इज द फिजिकल मेथड। सो एम आई क्लियर हियर? क्या होता है, एयरटाइट पैकेट्स में उनको बंद किया जाता है, ताकि इवन आपने देखा होगा कि जब भी आप बाहर से कुछ 5 या 10 रुपीज के पैकेट्स लाते हो तो उसमें एयर ज्यादा होती है। तो वो एयर क्या होती है, नाइट्रोजन होते हैं या हीलियम होते हैं, ताकि वो लॉन्ग टाइम के लिए आप उसको सेव करके रख सको। अब नेक्स्ट पॉइंट इज नाइट्रोजन फिक्सर। नाइट्रोजन फिक्सर, इसके बारे में हम पहले से ही बात कर रहे थे कि यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन द क्लास 6, 10, 7। इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स मीन पल्सिस। यानी मैंने आपको ये चीज पहले ही बता दी कि सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दुश्मन नहीं है, दे आर ऑल्सो अवर फ्रेंड। कैसे फ्रेंड है वो देखेंगे। ओके, तो मोस्टली राइजोबियम नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पल्सिस, यानी कि मग है, चना है, ये सब के जो प्लांट्स होते हैं उसमें आते हैं। सो रिकॉल दैट द राइजोबियम लीव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। वो कहाँ पे रहते हैं, उनके जो नोड्स यानी कि कुछ गांठ जैसा होता है जमीन के अंदर, इन झाड़ों के अंदर, प्लांट्स के अंदर, तो वहां होते हैं। सच एज बीज, पीज, विथ विच इट हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन मीन्स के जो प्लांट है उसने अपनी रूट क्या किया, राइजोबियम को रहने के लिए दिया। ओके, तो राइजोबियम ने क्या किया, उसको जो नाइट्रोजन वो एयर के थ्रू या डायरेक्ट सॉइल में से नहीं ले सकता है, उसको वो क्या कर रहा है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके वो प्लांट को प्रोवाइड करेगा। ओके, सो समटाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन द एटमोस्फेयर रिमेन कॉन्स्टेंट। यानी लाइटनिंग होने की वजह से भी नाइट्रोजन चेंज होता है या फिर डिजॉल्व होता है, बट नाइट्रोजन की वैल्यू 78% से कम नहीं होती है एटमोस्फेयर में। यू मे वंडर हाउ, लेट्स अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट सेक्शन। यानी हम आगे जैसे जाएंगे वैसे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेंगे। सो रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट विद द फिक्स रेडियस। यानी इसमें क्या होता है कि कुछ गोल गोल टाइप नोड्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये ना यहाँ पे उनको रहने की जगह मिल जाती है बैक्टीरियाज को, और उनको अपनी जरूरत की चीजें पूरी हो जाती है। ओके, नाइट्रोजन साइकिल जो है वो हम पूरा नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे और पूरा कंप्लीट एक साथ कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। ओके, okay?